अस्सलाम वालेकुम, कुक विद सेफ शाहिद की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको चिकन मंचूरियन बनाना सिखा रहे हैं। आधा किलो चिकन क्यूब्स लेना है, एक अंडा लेना है, आधा टीस्पून काली मिर्च, आधा टीस्पून रेड क्रश चिली, 4 चमचे कॉर्नफ्लोर और आधा टीस्पून नमक और थोड़ा सा ज़रदा कलर। इन सबको अंडे में फेंट के और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें हम चिकन क्यूब्स डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये हमने ज़रदा कलर डाला है और थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डालेंगे। चिकन को मैरिनेट करके 3 से 4 घंटे रख लें, कम से कम 2 घंटे, नहीं तो 3 से 4 घंटे रखें। अब हम इस चिकन को फ्राई कर लेंगे। हमारा चिकन अब फ्राई होना शुरू हो गया है। एक एक करके बूटी डालेंगे, आपस में जुड़ने नहीं चाहिए। जब ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन हो जाए, तो चिकन को निकाल लें। चिकन हमारा तकरीबन फ्राई हो गया है। जैसे चिकन फ्राई होगा हम इसको बाहर निकाल लेंगे। चिकन हमारा रेडी है। अब हम 1 लीटर यखनी लेंगे। एक लीटर यखनी लेके हम इसको एक इसके अलावा हम 1 लीटर यखनी के लिए 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे। और कॉर्नफ्लोर में पानी डाल के इसको हल्का पतला कर लें और मिक्स कर लें अच्छी तरह। यखनी को उबलने के लिए रखेंगे। यखनी के अंदर हम 1 टेबलस्पून फाइन चॉप अदरक लहसुन डालेंगे, 1 टेबलस्पून बड़ा भर के इसमें हम फाइन चॉप करके लहसुन ऐड कर देंगे। उबाल आने दें। उबाल आने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर डालेंगे। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो चिकन स्टॉक भी आप डाल सकते हैं। इसके अंदर अब हम 1 टेबलस्पून रेड चिली क्रश डालेंगे, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून वाइट विनीगर, 2 टेबलस्पून चिली सॉस इसमें ऐड कर देंगे। और 1/2 टेबलस्पून नमक। ये विनेगर, हॉट सॉस और सोया सॉस हमने डाल दिए हैं इसके अंदर। अच्छी तरह पकाएं। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे।
इसके अंदर अब हम 5 टेबलस्पून चीनी डालेंगे, चीनी हमने डाल दी है, चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसके अंदर हम आधा पाउच 1 लीटर वाला टमाटर केचप डालेंगे, छोटा है तो पूरा डाल दें, बड़ा है तो हाफ डालेंगे। इसको तेज आंच पे पकाना है, तकरीबन हमारा सॉस तैयार हो रहा है। अब इसके अंदर हम छोटा पाउच 1/2 लीटर टमाटो केचप डालेंगे, बड़ा है तो हाफ, छोटा है तो फुल। उबाल आने दें। जैसे ही उबाल आ जाएगा हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का पेस्ट डालेंगे, तकरीबन 5 से 6 चम्मच, और गाढ़ा करना चाहते हैं तो 1 चम्मच और ऐड कर दें। तकरीबन 1 लीटर में 5 से 6 चम्मच काफ़ी होते हैं। कॉर्नफ्लोर आहिस्ता आहिस्ता हल करना है, एकदम नहीं डालना, सॉस को मुसलसल हलाते रहें और कॉर्नफ्लोर को इतना पकाना है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। सॉस हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब मज़ीद गाढ़ा करना चाहते हैं तो और कॉर्नफ्लोर डाल दें, लेकिन इतना काफ़ी है। बबल आने शुरू हो गए हैं, हमारी सॉस तैयार हो गई है। चिकन फ्राइड राइस के साथ इसको एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।